हेलो एवरीवन, वेलकम इन इजी वे। इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पहचान से। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्य के अंत में आ या ई ए ओ ता था ते थे तिथि आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत में आते हैं। तो आइए पहला रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट, था ती थी ते, था थी ते के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज अथवा वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जिस क्रिया के अंत, जिस वाक्य के अंत में ये तीन शब्द किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज या वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ वर्ब का क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो या सिंगुलर हो। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोनों रूल को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। उसने कल मुझे एक कलम दिया, ठीक है ना, या उसने कल मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी ए पेन एस्टरडे। ठीक है, यहाँ वर्ब का क्या लगा हुआ है? बी टू लगा हुआ है। ठीक है, ही गेव मी ए पेन एस्टरडे। इसमें ये डिपेंड कर, इसमें सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा क्या लगेगा? भी टू लगेगा। ठीक है, तो ही गेव मी ए पेन एस्टरडे। बढ़ी ने एक कुर्सी बनाई, दी कारपेंटर मेड ए चेयर, भी टू। सिंपल सा सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ भी टू लगाना, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। रूल थ्री, रूल थ्री क्या कहता है? सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबरों के साथ भर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप बता चुके हैं कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, या सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, भर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भर का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। देखिए भी टू लगा हुआ है, सिंपल सा क्या था, सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट क्या आई है, प्लस भी टू लगा हुआ है। क्या काम क्या करा है? रहने का। तो भी टू प्लस ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। मोहन कल अपनी पिता को देखने दिल्ली गया, मोहन कल अपनी पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन क्या पिताजी को देखने के लिए कहाँ? दिल्ली गया था। मोहन बेंट, यहाँ देखिए गो का भी टू क्या होता है? गो बेंट, गो बेंट होता है। तो मोहन सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर एस्टरडे। ठीक है, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, सी रोट। देखिए राइट का वर्ब, यहाँ भी वर्ब टू लगा है, राइट का क्या होता है? रोट। सी रोट ए लेटर टू हर फादर। ये हुआ पूरा सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसका देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट, निगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस का बता कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लुरल, के साथ डिड नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है, यदि वाक्यों में कभी नहीं आया आए हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में कभी नहीं है, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो उसमें क्या है? नेवर लगाएंगे, डिड नॉट की जगह पे, डिड नॉट की जगह पे क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे। ठीक है, जब हम नेवर लगाएंगे तो इसमें वर्ब भी टू का फॉर्म यूज करेंगे, ना कि V1 का। एग्जाम्पल लेते हैं,
वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। ठीक है, यानी कि नहीं है, कभी नहीं, नहीं है यहाँ, सिर्फ नहीं है। वह हॉकी नहीं खेला, ही उसके बाद डिड नॉट प्ले, देखिए वी वन लगा हुआ है, बोले थे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन हॉकी यस्टरडे, होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, दी बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। देखिए या कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो इससे कोई लेना देना इसको नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी के साथ डिड नॉट ही लगेगा, प्लस लर्न वी वन देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर, यहाँ लगा हुआ है कभी, मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर कम लेट, यहाँ देखिए वी टू लगा हुआ, केम लेट, आई नेवर केम लेट, वी टू सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी टू फॉर्म उसका लेट। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि सीता साहब सब्जेक्ट क्या सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तुम स्कूल नहीं गए, तुम यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ देखिए वी वन। तो यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा आएगा, जो समरी देखा जाए तो क्या है कि सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसके साथ डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट ये है। और अगर अगर वाक्य में कभी नहीं ऐसा शब्द आए तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट।